हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो हमारे पास ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आज इसका हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखने वाले हैं। तो गाइज, ये मेरे हाथ में एक ग्लास रोड है और ये मेरे हाथ में एक सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, सामने बैलून दिख रहा है। तो अभी आपको पता है कि जैसे ही मैं इस सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास रोड के साथ रब करूंगा तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और अब ये बैलून है। तो बैलून को अगर हम अपने हेयर के साथ रब करेंगे तो हेयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बैलून पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसको मैं अपने हेयर के साथ ऐसे रब करूंगा तो रब करने पर क्या होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आइए देखते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। तो देखिए ये बैलून है और ये देखिए कैसे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ये देखिए बैलून अपने आप आ रहा है, मैंने इसको टच नहीं किया है, बिना टच किए ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।